टुडे विल बी लेक्चर नंबर 20 फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। लास्ट क्लास में हमने स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर और क्या था क्यूमीटर जी, क्यूमीटर क्वालिटी क्या फैक्टर था? मीटर, क्वालिटी फैक्टर मीटर, और दो चार जो और इंस्ट्रूमेंट है उसको भी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। ठीक, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में एक्चुअली थर्मल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। सर ये लेक्चर नंबर 21 है। अच्छा 19 और 20 एक साथ था ना, नहीं तो बाद में तब हो जाएगा। ओके, इसको भी करेक्ट कर लेते हैं। The concept of सर्कल बहुत पर है क्या जी, कल बहुत पर है क्या बोल कर इसका इंस्ट्रूमेंट का? बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन एक डेरिवेशन किया था वो बहुत लंबा था इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर्स का। द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन मेटल वायर्स इज यूज्ड इन दिस इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या होता है, हम लोग एक वायर लेते हैं, थर्मल एक्सपेंशन समझते हैं ना आप, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेटल एक्सपेंड करेगा तो खींचेगा वो, उस जो एक्सपेंशन से फोर्स या टॉर्क क्रिएट होता है उससे हम मेजरमेंट कर पाते हैं। ठीक, एक्सपेंशन के लिए एक स्पेशल रॉड ली जाती है, ऐसा बना लीजिए, इससे हम क्या पास करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। ये जो रॉड है एक अलग स्पेशल मटेरियल से बनी हुई है, जल्दी कम एक्सपेंशन होता है, जल्दी एक्सपेंड नहीं करती है रॉड, मैकेनिकली वेरी हार्ड। प्लैटिनम, इरिडियम रॉड इसका यूज करते हैं। जब इससे करंट पास करेगा तो करंट से हीट लॉस होगा, हीट लॉस से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये रॉड एक्सपेंड करेगी तो अपने से, अगर इसके जंक्शन फिक्स्ड हैं तो ये बेंट होगी। जब ये रॉड बेंट होती है, इससे कनेक्टेड रहता है एक पुली, पुली मासलेस पुली, वायर सिस्टम, पुली और स्ट्रिंग का एक सिस्टम अटैच रहता है, लास्ट में यहां पे रहता है आपका पॉइंटर। ठीक, कंट्रोल के लिए हमारे पास स्प्रिंग रहता है, ये वायर और स्प्रिंग दोनों बने हैं,
फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर एंड स्प्रिंग। ठीक, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? थर्मल एक्सपेंशन। वर्किंग क्या होता है? वर्किंग में करंट इज पास्ड थ्रू प्लैटिनम इरिडियम रॉड which expands due to heat loss and increase in temperature. Temperature बढ़ेगा, heat loss होगा और ये rod expand करेगी. Now while expanding it creates pressure. Pressure बोले या force बोले की बात है, force on pulley and string attached to it. स्ट्रिंग अटैच्ड है तो फोर्स लगाएगा. दिस क्रिएट्स डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है. ठीक, कंट्रोल टॉर्क is provided by spring. Control torque spring se provide karenge. Now by balancing deflecting torque and control torque. मेजरमेंट इस टाइम इससे ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है. स्केल कैसे होती है? क्योंकि हीट लॉस आरएमएस वैल्यू से होता है. वोल्टेज और करंट का आरएमएस वैल्यू मेजर होगा. आरएमएस वैल्यू इज मेजर्ड and theta proportional to I square. Scale कैसा मिलेगा? Cramped at lower and higher ends. Expanded middle scale. बीच का स्केल जो है वो एक्सपेंडेड रहता है. सर इसमें करंट क्या है? आरएमएस आरएमएस होगा ना सर? हाँ, थीटा प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर है तो पहले ही स्क्वायर हो जाएगा ना उसका. मेजरमेंट तो आरएमएस वैल्यू में ही होगा. देख लीजिए सर, हम लोग डीसी के लिए इसको यूज नहीं करेंगे ना तब तो सर, सिर्फ एसी. नहीं नहीं करते. इसका एप्लीकेशन लिखा था ना पहले वाले जहाँ पे स्टार्ट किया था? नहीं, एक्चुअली हम वो क्लास में एब्सेंट था सर. अच्छा,
सर एक क्रैम्प एट लोअर, इसका मीनिंग क्या था ना सर, भूल गया। पास पास होती है स्किल। एक सेकंड होल्ड करिएगा। डायग्राम भी एक बार दिखा दीजिए ना। डायग्राम हो गया ना। अब हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा, इसके बाद सब कुछ ट्रांसड्यूसर ट्रांसड्यूसर है। आपका नेक्स्ट चैप्टर और उससे रिलेटेड जो आपका इक्विपमेंट होता है, ये क्या हो गया, नेक्स्ट इज योर ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर होता क्या है, इट इज या इसमें दूसरे भाषा में लिखिए, the device used for converting other physical quantities to electrical क्वांटिटी, इस बार या आर लिखेंगे यहाँ पे। आर कॉल्ड ट्रांसड्यूसर्स, ठीक। अब ये दो तरह के होते हैं, ब्रॉड क्लासिफिकेशन में, यस, एक्टिव ट्रांसड्यूसर, सेकेंड वन इज पैसिव ट्रांसड्यूसर। मीनिंग क्या है, एक्टिव मतलब खुद का पास सोर्स है, इसको बाहर से इलेक्ट्रिकल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, ठीक, या थर्मोकपल, ये सब एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स हैं, ठीक। और अगर किसी ट्रांसड्यूसर में एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई की जरूरत पड़ती है तो वो पैसिव ट्रांसड्यूसर होता है, जैसे LVDT, स्ट्रेन गेज, ये सब पैसिव ट्रांसड्यूसर में आते हैं। तो ऐसे ट्रांसड्यूसर विच डू नॉट रिक्वायर any external electrical supply are called active transducers. Example, thermocouple piezo electric
ट्रांसड्यूसर एटसेट्रा, ऐसे ही और भी हैं। हाँ अगर एक्सटर्नल सप्लाई की जरूरत है दोस विच रिक्वायर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सप्लाई आर कॉल्ड पैसिव ट्रांसड्यूसर, इसको पैसिव ट्रांसड्यूसर कहते हैं। एग्जांपल एलवी डीटी स्ट्रेन गेज एक्सेट्रा, काफी सारे आते हैं इसमें। अब एक एक करके इसको देखते हैं हम लोग, पहले देखेंगे थर्मोकपल क्या होता है, फिर तो उसके बाद देखेंगे ये थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट कैसे बनाते हैं। ठीक, तो अभी हमारे पास पहला जो ट्रांसड्यूसर है इट इज थर्मोकपल। थर्मोकपल होता क्या है, पॉइंट वाइज लिखते हैं, इट इज आ इट इज अ ट्रांसड्यूसर। यह एक ट्रांसड्यूसर है जो कौन से सिग्नल को कन्वर्ट करता है, इट इज अ ट्रांसड्यूसर विच कन्वर्ट टेम्परेचर सिग्नल, विच कन्वर्ट टेम्परेचर सिग्नल टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये टेम्परेचर सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक, ये एक्चुअल में होता क्या है, इट इज एक्चुअली बायोमेटालिक जंक्शन, सेट ऑफ बायोमेटालिक जंक्शन बोल सकते हैं, इट इज एक्चुअली सेट ऑफ बायोमेटालिक जंक्शंस, एक सेट है जिसमें दो बायोमेटालिक जंक्शंस हैं, सेट ऑफ बायोमेटालिक जंक्शन विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पे काम करता है जल्दी बताइए, मैं पांच तक गिनूंगा, पांच सीबेक इफेक्ट पे काम करता है प्रिंसिपल पे। आप इसके आगे थर्मोकपल को अगर समझना चाहते हैं तो क्या पढ़ना होगा आपको, पहले देखते हैं सीबेक इफेक्ट क्या, उसके बाद इससे इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करेंगे। नेक्स्ट इज योर सीबेक इफेक्ट, इसको समझ के ही आप थर्मोकपल समझ जाएंगे, थर्मोकपल को, उसके बाद आप इंस्ट्रूमेंट डिजाइन कर पाएंगे। सीबेक इफेक्ट, श्री सीबेक क्या कहना चाहते हैं, सीबेक ने अपने स्टेटमेंट में बताया था कि अगर आप दो मेटल के जंक्शंस यूज करते हैं, सपोज जैसे ज्यादातर कॉमनली आयरन कॉपर यूज होता है, दिस इज आयरन, आयरन की रॉड है, एक उसके नीचे ये कॉपर की रॉड है और ये आयरन कॉपर का जंक्शन है, ये भी आयरन कॉपर का जंक्शन है, इसको मान लिया J1, इसको मान लिया J2।
ये आयरन है और ये कॉपर है, ठीक। अब होता क्या है जंक्शन में, क्योंकि दोनों तरफ रेजिस्टेंस इक्वल नहीं है तो करंट सर्कुलेट नहीं हो पाती है दोनों में इक्वली। सपोज यहां का टेम्परेचर T2 है, जंक्शन J2 का टेम्परेचर कितना है T2, जंक्शन J1 का टेम्परेचर कितना है T1, ठीक। T1 को नीचे रखते हुए या T2 को कांस्टेंट रखते हुए T1 आपने बढ़ा दिया, ये दोनों जंक्शन अगर अलग अलग टेम्परेचर पे आए, सपोज करते हैं हम कि T1 T2 से बड़ा है, ठीक, T1 ज्यादा है T2 से, जंक्शन J1 जो है वो J2 से ज्यादा गर्म है, टेम्परेचर ज्यादा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कैमिट होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, तो टेम्परेचर जहाँ ज्यादा है वहां का जो स्टेटस है वो पॉजिटिव हो जाता है, जहाँ टेम्परेचर कम है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, वहां का EMF कम या नेगेटिव हो जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं J1 और J2 के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया है, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस जो हुआ है ना प्रोपोर्शनल टू T1 - T2, या V इज प्रोपोर्शनल टू ΔT विद इन टेम्परेचर लिमिट्स, मेटल पिघलना नहीं चाहिए, विद इन टेम्परेचर एंड मैकेनिकल लिमिट्स अगर आप ΔT प्रोड्यूस करते हैं दोनों जंक्शन को अलग अलग टेम्परेचर पर रखते हैं तो जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है जंक्शन के बीच में वो टेम्परेचर रेफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है, यही सीबैक इफेक्ट है, ठीक। सीबैक इफेक्ट है क्या, इट इज डिफाइंड फॉर बाय मेटालिक जंक्शंस। सपोज टू डिफरेंट मेटल्स आर जॉइंड टुगेदर एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, तो अलग अलग मेटल को जूल इफेक्ट, जी सर एक जूल थॉमसन इफेक्ट बोल के कुछ हुआ करता था ना, थॉमसन इफेक्ट अलग है, वो है कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, एंड जूल इफेक्ट अलग है, वो आई स्क्वायर आर लॉस है। सर थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, वो सब चीजें आने दीजिए, पहले हमको सीबैक इफेक्ट से भी केवल मतलब है, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। थॉमसन इफेक्ट इसका जस्ट अपोजिट है, सीबैक इफेक्ट कहते हैं ना कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा, थॉमसन इफेक्ट है कि अगर आप वोल्टेज प्रोवाइड कर देंगे ना तो ये दोनों जंक्शन अलग अलग टेम्परेचर पे हो जाएंगे ऑटोमेटिक, जंक्शन का टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है और मतलब इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस मिलता है, ठीक है सर। सीबैक इफेक्ट का अपोजिट इफेक्ट थॉमसन इफेक्ट है। ठीक, डिफाइंड बाय फॉर बायमेटालिक जंक्शन, सपोज टू डिफरेंट मेटल्स आर जॉइंड टुगेदर एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, दैट इज J1 एंड J2। ठीक, नाउ इफ टेम्परेचर डिफरेंस इज मेंटेन्ड बिटवीन J1 एंड J2, ऐसा नहीं कि गर्म करके छोड़ दिया, उसको मेंटेन करना है, जैसे J1 को आप किसी हीट के सोर्स के पास ला करके छोड़ दीजिए किसी हीटर के पास, तो J1 जो है वो हमेशा J2 से गर्म रहेगा, अगर आप ये मेंटेन कर ले जाते हैं तो थोड़ी देर में आपको
J1 और J2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मिलने लगता है। टेम्परेचर डिफरेंस इज मेंटेन बिटवीन J1 एंड J2 देन EMF appears across it and this potential difference V is proportional to delta T. ये सीबैक इफेक्ट है या हम लिख सकते हैं V is proportional to T1 minus T2. Higher a temperature minus lower a temperature. ठीक, ये था ट्रांसड्यूसर, टेम्परेचर सिग्नल को वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक, अब इसको यूज करके हम वोल्टमीटर एमीटर कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट इज थर्मोकपल मीटर। एक कोई थर्मोकपल लेके आइए, स्टैंडर्ड सिंबल ऐसे चोंच की तरह बना दिया था इसको। ये एक थर्मोकपल है, कंट्रोल कर रेजिस्टेंस आर, यहाँ पे वोल्टमीटर लगा दीजिए। दिस विल बी ऑलवेज PMMC वोल्टमीटर। अच्छा, टेम्परेचर अगर सस्टेन मेंटेन रहेगा तो वोल्टेज भी कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट वोल्टेज का मतलब डीसी वोल्टेज हुआ, हुआ कि नहीं? थर्मोकपल कैसा वोल्टेज देगा आपको? थर्मोकपल कैसा वोल्टेज देगा आपको? डीसी थर्मोकपल का आउटपुट इज ऑलवेज डीसी। यहां पे है इनपुट करंट आरएमएस, इस करंट से हीट लॉस होगा हीटर कॉइल में, इस हीट लॉस से टेम्परेचर बढ़ेगा। किसका? जैसे जंक्शन J1 थर्मोकपल का, इसका टेम्परेचर T1, बढ़ेगा। यहाँ पे प्रोड्यूस होगा V0, थर्मल कपल का आउटपुट प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। ठीक, इस V0 को PMMC से मेजर कर लीजिए। ठीक, अब क्योंकि सब का सब प्रोपोर्शनल है, इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हीट लॉस, हीट लॉस के प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल वोल्टेज। देख सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, है ये PMMC इंस्ट्रूमेंट, लेकिन मेजर क्या कर रहा है? जो इनपुट करंट है इसका मेजरमेंट करना था आपको, शेडेड वाले का, उसका आरएमएस वैल्यू मेजर हो रहा है यहाँ पे। वोल्टेज एंड करंट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है क्या? आप यहाँ पे सीबैक इफेक्ट देखिए क्या है। If temperature difference is maintained between J1 and J2, maintain का मतलब क्या हुआ? Constant रखना। Constant। अगर temperature constant है तो voltage constant होगा। Kind of। इस पे EMF constant होगा कि नहीं?
होगा। तो थर्मोकपल का आउटपुट क्या, कांस्टेंट वोल्टेज, ये एसी की डीसी है, थर्मोकपल का ना सीवेक, थर्मोकपल का आउटपुट डीसी है कि एसी है, डीसी रहेगा। इनपुट टेम्परेचर होता है और टेम्परेचर प्राइमरी इनपुट सिग्नल के आरएमएस वैल्यू पर डिपेंड करता है। क्लियर, इसका थ्योरी लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट केवल इतना ही है इसमें, इससे ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। वी हैव टेम्परेचर सोर्स एसी डीसी दोनों हो सकते हैं, हीटर कॉइल एसी पे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है ड्यू टू हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट लॉस से भी ज्यादा हीट बढ़ता है आपको। अब वैसे भी डीसी अगर है तो उसके मेजरमेंट के लिए आपके पास पीएमएमसी है, इतना तामझाम की जरूरत ही नहीं है। थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे यूज करेंगे, थर्मोकपल मीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करेंट और वोल्टेज। क्या मेजर करता है ये, इट मेजर आरएमएस वैल्यू ऑफ द सिग्नल। अब करते कैसे हैं, इसमें एक एसेंशियली एक हीटर कॉइल होता है, यस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होगा जी। ये अच्छा, ये आप तो बोल, ये डीसी को मेजर करते हैं, लेकिन फिर आरएमएस वैल्यू जो है सिर्फ एसी के लिए यूज नहीं करते क्या हम लोग सर? डीसी सिग्नल में आरएमएस वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू अलग अलग होती है क्या? नहीं, सेम होता है सर। तो नाम से बुलाते भी नहीं इसको आरएमएस, डीसी का मतलब डीसी कांस्टेंट। अच्छा ठीक है सर, कोई मिसरीड नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इसकी डिजाइन होती है। द करेंट टू बी मेजर्ड इज पास्ड द हीटर कॉइल, इसका मेजरमेंट करना है वो कहाँ पास करते हैं, हीटर कॉइल, सो दैट द टेम्परेचर ऑफ द हीटर कॉइल increases due to IRMS. RMS value heat loss से निकाली जाती है ना, उसके proportional आपका heat loss होगा या उसके square के proportional. Now, a thermocouple is kept near to the heater. अच्छा आपको ये पता है, near, ये हिंदी का वर्ड है, इंग्लिश में बाद में लिया गया है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफर कर दिया।
हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है सर? जो पास नहीं, जो इंग्लिश में उसका, जो इंग्लिश में उसका मीनिंग होता है वो हिंदी में उसका मीनिंग होता है। नजदीक, नजदीक, नजदीक उर्दू। Which increases temperature of heart junction. Now, आप देख सकते हैं कि डेल्टा टी ऑफ, डेल्टा टी का मतलब समझ जाएंगे ना, टेम्परेचर डिफरेंस। Yes, sir. Couple is proportional to heat loss and delta T, yeah, V naught is proportional to delta T and is measured by PMMC voltmeter. अगर आप इसको कैलिब्रेट करें तो by measuring V naught input signal IRMS बनाया जा सकता है by by calibration of V naught. IRMS can be calculated. सॉरी। अच्छा, इसके एडवांटेज है और डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज तो यह है कि कॉस्टली हो जाएगा, सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है। एडवांटेज क्या है कि केवल ये अल्टरनेटिंग सिग्नल के लिए नहीं, किसी भी सिग्नल के लिए यूज किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि केवल साइन वेव के लिए यूज हो। आप किसी भी टाइप का अजीब सिग्नल देंगे, उसका आरएमएस वैल्यू मेजर करके आपको दे देगा। ठीक, इसके दो एडवांटेज हैं, पहले लिख लीजिए। एडवांटेज नंबर वन, इट कैन बी यूज्ड टू मेजर आरएमएस वैल्यू ऑफ सिग्नल of any shape. ऐसा नहीं कि DC, IC या केवल sinusoid के लिए आप use कर सकते हैं, आप square wave, triangle wave, किसी भी चीज के लिए use कर सकते हैं signal या इस method को. Second advantage है इसका कि क्योंकि यहाँ पे PMMC instrument हम use करते हैं और इतना हमने detail में PMMC को पढ़ा है, इसमें error बहुत कम होता है. आप क्योंकि PMMC इंस्ट्रूमेंट बेसिक इंस्ट्रूमेंट है मेजरमेंट के लिए, यहाँ पे उसमें एरर कम होता है, इसलिए यहाँ पे एग्जैक्ट मेजरमेंट भी मिल पाता है. इट इज मोर एक्यूरेट बिकॉज PMMC वोल्टमीटर इज यूज्ड.
एक क्वेश्चन करिए तो एंड एवरेज रीडिंग वोल्टमीटर इज कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ अच्छा इनके थोड़ा एक मिनट रुक जाइए जरा इसको मिटा दी मैं इसको क्वेश्चन थोड़ी देर में कराता हूँ यहीं पे नोट लिख लीजिए इफ सी मैं आगे लिखते हैं इंस्ट्रूमेंट इज calibrated for RMS value and it reads average value then a correcting factor needs to be multiplied ठीक है इसका अपोजिट भी आप ले सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट है जो एवरेज वैल्यू मेजर करता है ठीक लेकिन उसकी स्केल पे से एवरेज मिटा के आरएमएस लगाना है तो कोई रिलेशन होता है एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू में जी सर कितना क्या रिलेशन होता है थोड़ा जल्दी बताइए सर फॉर्म फैक्टर होता था क्या दे आर रिलेटेड टू फॉर्म फैक्टर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है आप रीडिंग चेंज करते समय ठीक फॉर्म फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे जनरली हम लोग साइनसोइडल सिग्नल लेते हैं तो फॉर्म फैक्टर 1.11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं वी एवरेज में वही अगर कोई और सिग्नल है तो उसका फॉर्म फैक्टर अलग भी होता है अलग होगा तो उसकी वैल्यू भी अलग आएगी ठीक अब करिए क्वेश्चन क्वेश्चन है एन एवरेज रीडिंग वोल्टमीटर मतलब ये वोल्टमीटर जो है एवरेज वैल्यू रीड करता था इज calibrated in terms of RMS value. इसको RMS value के terms में convert कर दिया calibrate कर दिया of sinusoidal signal. मतलब 1.11 से multiply कर दिया इसमें now if a square सिग्नल शोन इन फिगर इज पासिंग थ्रू
this meter, find the error in measurement of reading. सिग्नल क्या पास किया है, ये 2, 1, 2, 3, 4 से फिर स्टार्ट होगा आगे। बताइए भाई, सर ये स्क्वाट सिग्नल में ये एवरेज वैल्यू जो है आरएमएस का वैल्यू इक्वल होता है क्या, होता था क्या सर? जी स्क्वाट स्क्वाट सिग्नल में आरएमएस वैल्यू जो एवरेज का इक्वल होता था सर ना, फुल स्क्वायर वेव में ये रेक्टिफाइड है। तो हाफ होगा ना सर, आप बताइए। सर क्वेश्चन दिखाइए। ट्राई करेंगे आप लोग, ये नेटवर्क से रिलेटेड था इसलिए मैंने दे दिया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कितना टाइम चाहिए ट्राई करने के लिए? 3 मिनट से कम कुछ भी बोल दीजिए। वाह, परसेंट के फॉर्म में बताइए एरर। नहीं, सर वो क्या बोलते हैं, वो आरएमएस वैल्यू रूट तो आएगा क्या ना सर? जी मैं करूं? जी सर मेरा -2.0 ऐसे कुछ आ रहा है, एरर पता नहीं करेगा ना। नहीं गलत है, 2% भी नहीं आएगा, ज्यादा आएगा। सॉल्यूशन पे आते हैं, इसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा? रूट टू।
1.414 वोल्ट, एवरेज क्या होगा? क्या मैसेज, एक मिनट, कहां से 41.4% मैंने बोला तो गलत है, एवरेज वैल्यू कितना है? हाफ वेव रेक्टिफाइड स्क्वायर वेव वीएम बाय 2 होता है 1 वोल्ट, दिस इज योर एक्चुअल। ये वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? एवरेज वैल्यू, और रेक्टिफाई करने के लिए साइनोसॉइडल वेव माना गया है। मेजर्ड आरएमएस वीआरएमएस डैश जो इंस्ट्रूमेंट शो करेगा वो क्या शो करेगा? इज 1.11 × 1, दैट इज 1.11 वोल्ट। क्या क्या निकल रहे? नाउ परसेंट एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100। इट इज इक्वल टू 1.414 माइनस 1.11 अपॉन 1.414 इनटू 100। सब्ट्रैक्ट करिए कितना आ रहा है, 1.414, ये हो गया लास्ट में 40। सर आपने 0.304 अपॉन, इसका वैल्यू बताइए है, मैं निकालूं। सर आपने मेजर वैल्यू को उल्टा लिख दिया क्या? 1.14 एक ही बात है, माइनस प्लस। अब ठीक है, माइनस 2.1 वही सर जो मेरा पहले आ रहा था, वो इनटू 200। 2.1 कैसे आ जाएगा? 21.4 हाँ वही 21 है। 0.304 डिवाइडेड बाय 1.414 That is 21.49%। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, ये सी डब्ल्यू था, दूसरा वाला एच डब्ल्यू है, तो तीन तीन ट्रांसड्यूसर बचे बस आपके, एलवीडीटी स्ट्रेन गेज और पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। कल हो जाएगा वेडनेसडे, एक दिन आपका सीआरओ, एक दिन एरर और एक दिन डिजिटल वोल्ट मीटर, खत्म कर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन इज अ ट्रायंगुलर सिग्नल shown in the figure is applied to average reading voltmeter. Which is calibrated
to the RMS. So the RMS voltage of sinusoidal signal. Find the percentage of error. नोट करिए जल्दी, नोट करके बताइए. या सिग्नल हम आपको दे भी देते हैं, ट्रायंगुलर सिग्नल वैसे आप खुद भी इमेजिन कर सकते हैं. साल हो जाएगा. यस या नो प्लीज कुछ बोलिए. सर ट्राई करेंगे. ठीक, ट्राई करिए इसको आप घर पे ना, कल सास करते हैं इसके आगे. जी सर.